सनी देओल की गदर 2 ने धूम मचा रखी है। इस फिल्म ने सिनेमाघरों की रौनक वापस लौटा दी है। फिल्म को लेकर दर्शकों में तगड़ा क्रेज देखा जा रहा है। थिएटर्स के बाहर लंबे समय बाद हाउसफुल के बोर्ड टंग रहे हैं और फैंस लंबी लाइन में नाचते झूमते दिखाई दे रहे हैं। फैंस का ऐसा पागलपन देओल ब्रदर्स के लिए उनके प्यार को साफ दर्शाता है। कई दर्शक अनोखे अंदाज में फिल्म देखने पहुंच रहे हैं। कोई प्यार जताने थिएटर में हथौड़ा और हैंडपंप लेकर पहुंचा है, तो कोई ढोल ताश और बैंड बाजे के साथ नाचते गाते टॉकीज पहुंचे। यहां तक कि फैंस ट्रक और ट्रैक्टर में लगकर सिनेमाघरों में जोरों शोरों से हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते घुस रहे हैं। गदर 2 को लेकर लोगों में जो दीवानगी है उसे देख कर लगता है कि इतिहास दोहरा रहा है। दरअसल कुछ ऐसा ही नजारा गदर की रिलीज के वक्त भी देखा था, जहां बच्चों से लेकर बूढ़े तक फिल्म देखने थिएटर पहुंचे। कई फैंस अभी से गदर 3 की रिलीज का भी इंतजार करने लगे हैं। तो देखिए गदर 2 लगातार बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है और स्टार्स भी बेहद खुश हैं। शनिवार शाम एक दिलचस्प मोमेंट कैमरे पर कैद हुआ। दरअसल कई सालों बाद भाई बहन का मिलन देखने को मिला। ईशा देओल ने क्लोज फ्रेंड और रिलेटिव्स के लिए गदर 2 की स्क्रीनिंग रखी थी, जिसमें सनी और बॉबी भी पहुंचे थे। काफी सालों बाद भाई बहन एक दूसरे के साथ देखे और इसी मौके पर ईशा ने भाइयों के साथ फोटो भी क्लिक कराई, जो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रही है। ऐसा लग रहा है कि गदर 2 की रिलीज के साथ देओल फैमिली के सारे गिले शिकवे खत्म हो गए हैं। दरअसल हाल ही में सनी के बेटे करण देओल की शादी मीशा मौजूद नहीं थी, जिससे रिश्तों की अनबन साफ दिखाई देती है। धर्मेंद्र की हेमा से शादी के बाद देओल फैमिली टूट गई थी। धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर और हेमा अलग अलग घरों में रहते थे और साथ ही हेमा की दोनों बेटियों को धर्मेंद्र के घर जाने की इजाजत नहीं थी।